बात को समझ लीजिए कि सीएजी सीएबी एनआरसी के साथ में डेंजरस है। अगर एनआरसी न हो तो सीएबी पर से में कोई बहुत परेशानी नहीं है। ये जैसा कि गृहमंत्री जी ने भी बताया है, ये नागरिकता देने का बिल है, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप उसको एनआरसी से जोड़ देते हैं तब वो डिस्क्रिमिनेटरी हो जाता है। ठीक है सर, दिल्ली आम आदमी पार्टी का चुनाव उसके बाद से नीतीश जी ने जिस तरह से मुझे अपने साथ रखा है वो किसी बेटे के जैसे ही रखा है और उतने स्नेह से मुझे रखा है। जो लोग मुझे जानते हैं, नीतीश जी को जानते हैं, जिन्होंने देखा है हमारे संबंधों को, वो कई लोग ये बात आपको कंफर्म करेंगे कि उन्होंने मुझे अपने बेटे जैसा ही रखा है। जब मैं उनके दल में था तब भी, और जब दल में नहीं था उससे पहले उनके साथ काम कर रहा था तब भी, और कई मायनों में मैं भी उनको अपना पितातुल्य ही मानता हूँ। इसलिए नीतीश जी ने जो भी डिसीजन लिया है मुझे पार्टी में शामिल कराने के, हरदीप पुरी जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। वो मुझे नहीं जानते हैं तो बिल्कुल ही उनको नहीं जानना चाहिए। हरदीप पुरी जी देश के इतने बड़े नेता हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं, उनके लिए मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति के बारे में जानना वो तो बिल्कुल ही संभव नहीं है। अब अकेले दिल्ली राज्य में कोई 50 लाख से ज़्यादा यूपी बिहार के लोग, मेरे जैसे लोग यहाँ आकर रह रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इतने सारे लोगों को हरदीप पुरी जी जैसा बड़ा व्यक्ति अगर व्यक्तिगत तौर पे या अदरवाइज जानने की कोशिश करेगा तो ये तो